पुलिस ने हमारा जो रैली थी वो घोषित कार्यक्रम के अनुसार थी और हमारा उद्देश्य जो छात्रों पर अत्याचार जुर्म और ज्यादती हुई है और वो CAA कानून का और NRC का विरोध कर रहे थे, इसलिए उनको लाठीचार्ज हुआ, उनके सर फोड़े गए और जो पुलिस की SIP की जाँच हुई उसमें उल्टे उन्हीं को फंसाने का काम हुआ। तो हम कहते हैं कि इसकी झंडा छाया ना करवाई था, जज न्यायिक जांच करे, ये मांग हमारी थी। दूसरी मांग थी पूरे देश की जनता छात्रों सहित जो ये चाहती है ये कानून वापस हो, तो CAA वापस होना चाहिए, NRC लागू नहीं होना चाहिए जो आज अमेरिका में नहीं है, जिसके गरीबों ने हर धर्म जारी रखी। तो हम एक स्थायी रूप से धरना शाहीन बाग की तरफ से यहाँ शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी ही। और मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी दीवाने हिल चुकी, नींव पड़ने की देर है, छात्र आंदोलन ये व्यर्थ जाने वाला है। आज इन्होंने हमारा भगत सिंह चौक तक जाने वाला गवर्नर का 2:30 बजे का प्रोग्राम था, लेकिन मेरा सीधा सीधा आरोप है जो आयोजक है सरस्वती शिशु मंदिर के लोग जो RSS और BJP से संबंधित है, उन्होंने जानबूझ के प्रोग्राम विलंब इसलिए किया कि हम अमर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें। ये मेरा सीधा सीधा आरोप RSS BJP और सरस्वती शिशु मंदिर के लोगों पर है, गवर्नर का उन्होंने इसमें इस्तेमाल किया। NRC और JNU को लेकर लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है, अब ऐसा क्या आप करने जा रहे हैं जिससे सरकार का उपाय हो? हमने आपको बताया हम स्थायी रूप से धरना लगाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल।